Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of Vim backup and replication. और आज का जो एजेंडा है, आज हम आपको गाइड करने वाले हैं कि आप कैसे एक्सटर्नल रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं किसी भी सर्विस का बैकअप लेने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर का बैकअप कॉन्फिगर करने के लिए आप एक्सटर्नल रिपोजिटरी कैसे सेलेक्ट करते हैं वीम बैकअप के पैनल पे। तो गाइस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात कर लेते हैं पहले, रिपोजिटरी है क्या। सो एज वी नो दैट, पहले भी हमने डिस्कस किया है बैकअप और एप्लीकेशन दोनों, नॉट एप्लीकेशन, बैकअप और रिस्टोर की सर्विसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं आपको रिपोजिटरीज के बारे में। तो दो तरीके के, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है रिपोजिटरी को, आप बोल सकते हो, ठीक है। बीम बैकअप कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोजिटरी, वन इज इंटरनल रिपोजिटरी एंड अनदर इज एक्सटर्नल रिपोजिटरी। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, पहला इंटरनल और दूसरा अपने पास है एक्सटर्नल। इंटरनल के केस में अगर आपने अपना जो स्टोरेज है, लाइक आपने कोई शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश कर रखा है, अपने पास सैन है लोकल में आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, या आपने कोई शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश कर रखा है, सो इस केस में ये दोनों ही स्टोरेज आपके कंसीडर किए जाएंगे एज ए इंटरनल, क्योंकि आपने इसको बेस इन्वायरमेंट में यानी ऑफिस प्रीमाइसेस पे सेटअप कर रखा है। एक्सटर्नल एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम यहाँ बात करें एक्सटर्नल के केस में, तो जैसे आप AWS का पोर्टल आप ले लीजिए, राइट, और या फिर Azure की बात कर लें, Azure पोर्टल की बात कर लेते हैं, या गूगल क्लाउड की बात कर लेते हैं जिसको हम GCP बोलते हैं। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि AWS के केस में S3 बकेट आता है स्टोरेज के लिए, Azure के केस में स्टोरेज अकाउंट आता है जिसमें हम ब्लॉब वगैरह क्रिएट करते हैं, राइट। एज इट इज गूगल क्लाउड में भी एक सेपरेट पार्ट है जहाँ पे आप स्टोरेज की सर्विसेज को मैनेज करने का काम करते हैं। इंटरनल में हमने आपको दोनों पार्ट डिस्क्राइब किए हैं कि अगर आपके पास शेयर फोल्डर है और उस शेयर फोल्डर के जरिए कैसे आप अपना इंटरनल रिपोजिटरी तैयार करते हैं, ये प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि अगर आप अपने वीम बैकअप एप्लीकेशन में एक्सटर्नल रिपोजिटरी को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर या क्या स्टेप आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, मीन्स नॉट पोर्टल, पहले हम अपना जो वीम बैकअप का प्लेस है जहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रखा है उसका RDP एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने विंडोज सर्वर 2016 पे वीम बैकअप को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। दिस वन इज अवर वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन, और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक्सटर्नल रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए विंडोज मशीन पे ना AWS का पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। अभी हम AWS पे बात कर रहे हैं, आगे चल के हम एज्योर और गूगल क्लाउड दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एज्योर या गूगल क्लाउड के ऊपर अपना वीम बैकअप इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं सर्वर एग्जाम 1988, रूट अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। और इस AWS के पोर्टल पे एक हम अपना S3 बकेट बना लेते हैं, क्योंकि हमने प्लान किया है कि जो भी हम स्टोरेज वगैरह इस्टेब्लिश करेंगे, जो एक्सटर्नल रिपोजिटरी तैयार करेंगे, वो AWS के साथ एसोसिएट करेंगे। तो अभी अपने पास दो बकेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्लास बकेट 1988 एंड ट्रेनिंग बकेट 1988, कोई दिक्कत नहीं। एक और बकेट तैयार कर लेते हैं यहाँ पे, वीम बैकअप, ठीक है। ये हमने रिपोजिटरी तैयार कर लिया, नॉट रिपोजिटरी, S3 बकेट तैयार कर दिया, नॉर्थ वर्जीनिया ये लोकेशन है अपना, नो प्रॉब्लम, कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यू मस्ट नीड टू यूज अ यूनिक नेम, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है, इस वजह से आप यूनिक नेम रखेंगे अपने बकेट का। तो हमने यहाँ पे बकेट तैयार किया वीम हाइफन बैकअप 1988, दिस इज अवर बैकअप S3 बकेट नेम, और इस बकेट का इस्तेमाल करने वाले हैं हम वीम बैकअप के लिए, राइट। चलिए अब कैसे इस्टेब्लिश करना है, बहुत ही बेसिक सा फंडा आपको यूज करना पड़ेगा। बैकअप के ऑप्शन में जाएंगे, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दो तरीके की रिपोजिटरी है। AWS पोर्टल पे हमने बैकअप क्रिएट कर लिया है, और नॉट बैकअप, S3 बकेट हमने तैयार कर लिया है यहाँ पे, वीम बैकअप 1988। और अब मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, पोर्टल इन द सेंस अपने इन्वेंट्री पे जहाँ पे हमने वीम बैकअप एप्लीकेशन टूल को इंस्टॉल किया है। मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, आप बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे, बैकअप प्रॉक्सी, बैकअप रिपोजिटरी, एक्सटर्नल रिपोजिटरी,
मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। आप बैकअप रिपोजिटरी पहले क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड क्लिक ऐड टू द रिपोजिटरी, ऐड बैकअप रिपोजिटरी। एंड यहाँ पे तीन डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक है आपका डायरेक्ट अटैच, डायरेक्ट जिसको बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और लास्ट में आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इसका इस्तेमाल करेंगे टू कनेक्ट आवर AWS पोर्टल। अब देखिए S3 कंपैटिबिलिटी, और दूसरा जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है S3 Amazon S3। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद S3 बकेट, S3 ग्लेशियर या AWS स्नोबॉल, ये तीनों डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, तीनों सर्विसेज को सपोर्ट करता है कि आप अपना स्टोरेज जो है क्लाउड के लोकेशन पे रख सकते हैं। हम यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, नाम डिसाइड कर लेते हैं Veeam Backup AWS, ठीक है, ये हमने नेम डिसाइड कर लिया अपने रिपोजिटरी का। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये वो प्लेस है जहाँ पे आप अपने अकाउंट AWS अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक सा फंडा यूज करना पड़ेगा, ऐड अकाउंट पे क्लिक करिए। यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे ये मांग रहा है, आपको यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। आसानी से आप अपने AWS पोर्टल को लॉगिन करिए जहाँ पे S3 बकेट आपने बना रखा है। अकाउंट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल का, क्लिक करेंगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल आपको रीडायरेक्ट करेगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की पे। एग्जिस्टिंग अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं दे रहा है क्रिएट करने का, तो आप पुरानी वाली कोई सी भी बकेट को कर देंगे डिलीट। ये हमने बकेट को किया, नॉट बकेट, पुरानी जो एक्सेस कीज है उसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि एक नई की क्रिएट कर पाएं। क्रिएट न्यू एक्सेस की, सो एक्सेस की में दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये आपका एक्सेस आईडी, ठीक है, और इसको हम पेस्ट करने वाले हैं अपने बेस मशीन पे, और सेम सेक्रेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे बेस मशीन से। आप यहाँ पे कॉपी किया, देन पेस्ट ऑन योर बेस मशीन जो ऑन प्रमाइसेस पे है, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपका अकाउंट जो है AWS पे क्रिएट किया वो ऑथराइज हो जाएगा। डेटा सेंटर हमारा जो लोकेशन है S3 बकेट का नॉर्थ वर्जीनिया है, हमने डिसाइड कर लिया। ब्राउज पे क्लिक करते हैं, जितनी भी बकेट आपने क्रिएट कर रखी है ना, उन सब की बकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। Veeam बैकअप 1988, Veeam बैकअप 1988 हाइफन के साथ इसको हमने सेलेक्ट किया। अब दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है फोल्डर, फोल्डर पे क्लिक किया, और फोल्डर यहाँ पे एक नया फोल्डर वैसे तो हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, बट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई सा भी फोल्डर नाम दे देते हैं लोकल टू AWS, ठीक है, ये हमने नाम डिसाइड कर लिया। सेलेक्ट योर फोल्डर, जो आपने फोल्डर बनाया उस फोल्डर को सेलेक्ट करिए, ओके करिए, अप्लाई करिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो रिपोजिटरी, जो आपकी रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, इसमें जो भी डेटा रखेंगे, जो भी डेटा आप इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में रखेंगे, वो इनडायरेक्टली आपके AWS पोर्टल पे स्टोर होगा। चाहे वो आप फाइल रखिए, वर्चुअल मशीन रखिए, या डेटा कोई भी SQL डेटाबेस रखिए, आपकी जो लोकेशन है, आपका जो डेटा है, वो AWS पोर्टल पे सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा। गाइस, तो ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल रिपोजिटरी। जिस एक्सटर्नल रिपोजिटरी के केस में क्या होता है कि आप अपना जो डेटा रखेंगे वो लोकल प्रमाइसिस में ना रह करके आप AWS, Azure या Google Cloud का स्टोरेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। गाइस, ये तो रिपोजिटरी बनाने का तरीका हुआ। अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कैसे आप इसमें डेटा को रखते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकल इसका इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, हम आपके कमेंट को का रिप्लाई देंगे और आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज़।